Hello students, today in this video I am going to talk about the Kepler's law. Okay, so before starting the Kepler's law, I am just going to tell about the brief introduction about the Kepler. So Kepler kya tha ki Kepler ek scientist tha. Kepler ne teen law diye the, Kepler's law of planetary motion. Theek hai, तो ये कैपलर को कहाँ से ये सब किया, उसने कैसे इंस्पिरेशन थी. कैपलर ने कुछ डाटा कलेक्टेड था, ठीक है, और वो डाटा के बेसिस पे उसने ये सब किया था, ठीक है. और ये डाटा किस पे था, ऑन दी मोशन ऑफ प्लैनेट मार्स, ठीक है. और ये डाटा उसके चीफ ने कलेक्ट किया हुआ था, जिसका नाम था टाइको ब्रहे. टाइको ब्रहे एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी प्रेग, ठीक है. और आफ्टर 22 इयर्स के लगातार काम करने के बाद उसको ये अचीवमेंट मिली कि उसने तीन लॉ जो थे, ये जो उसके नाम पे जाने जाते हैं, वो उसने बनाए, ठीक है. जो पहले दो लॉ थे वो ईयर 1609 में बन गए थे, ठीक है. 1609 में पहले दो लॉ थे, और जो तीसरा लॉ था वो 10 साल के बाद आया, वो था 1619 में, ठीक है. और ये लॉ जो है, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमें एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं न्यूटन्स के लॉ की वैलिडिटी के. न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स है थ्योरी, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की थ्योरी है, ठीक है. इन सब की एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये, इसके लॉज की, ठीक है. तो इन सब से हमें न्यूटन्स के लॉ की भी वैलिडिटी होती है. सो दीज ऑल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दी फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द पाथ ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है. कि जो प्लैनेट का पाथ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है. ऑर्बिट होता है कि मतलब सर्कल टाइप ही, ठीक है, जिसमें वो प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, जो पाथ वो बना रहा है. इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कि जो उसका ऑर्बिट है, उसकी जो शेप है वो एलिप्स की तरह है. एलिप्स होता है जैसे एग की शेप होती है ना, ऐसी ऐसा, ठीक है. तो पाथ ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. एलिप्स के फोकाई पे, एक फोकाई पे जो है वो सन है, ठीक है. अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन. तो पहला लॉ कुछ नहीं है, बस दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट. और हमें ये लॉ ये बताता है कि जो प्लैनेट है उसका जो पाथ है, जो वो ट्रेवल करता है, उसका पाथ की जो शेप है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जिसके एक फोकाई पे सन होता है, ठीक है. फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है. उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लॉ पे. सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रेडियस है, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, ठीक है, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम. मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरा प्लैनेट है पी, ठीक है, यहां पे पड़ा ये मान लेते हैं ये सन है, तो प्लैनेट मेरा ये इसके अराउंड चक्कर काट रहा है, ठीक है. तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देखती हूँ इस प्लैनेट को, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ, तो इसका कुछ टाइम के अंदर अंदर जो एरिया है कवर कर रहा है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, तो वो ये एरिया हो गया. इसको मैं शेडेड से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है. फिर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, जब ये प्लैनेट यहाँ पे आया, मान लो वो उतना ही टाइम यहाँ पे भी ले रहा है, तो उतना ही एरिया यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है. तो सेम एरिया बनता है सेम टाइम पे, सेम टाइम इंटरवल्स में, ठीक है. तो जो रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, दैट इज जिसकी एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है. एरियल वेलोसिटी होती है मतलब कि एरिया स्वेप्ट आउट बाय इट पर यूनिट टाइम. और इस लॉ को हम ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, क्योंकि ये एरिया के ऊपर ही बना हुआ लॉ, ठीक है.
बस ये यही कहता है कि जो एरियाज जो स्वेप्ट बाय दी प्लैनेट जो होंगे, मतलब कितना वो एरिया कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो सेम होगा। अगर वो टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, मतलब कि जो उसकी एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी होता है कि एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम, एंड इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, कि प्लैनेट का डिस्टेंस और जो प्लैनेट की जो स्पीड है, ठीक है, उसके बीच में भी हमें रिलेशन मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट ईयर्स, दैट इज इट्स टाइम पीरियड, और द टाइम ऑफ द वन कंप्लीट राउंड ऑफ द सन। ठीक है, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है या टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कवर वन सर्कल, वन राउंड अराउंड द सन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, देखो जो एक्लिप्स होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है सेमी मेजर एक्सिस, एक होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस होता है जो ये लंबा वाला होता है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं उसको, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वाला एक्सिस होता है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक लॉ, एंड इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लैनेट एंड इट्स टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब कि साइज और उसके टाइम के साथ एक रिलेशनशिप देता है कि अगर कोई बिगर प्लैनेट है जिसका रेडियस ज्यादा है, बड़ा ह्यूज प्लैनेट्स है, तो उसको जो टाइम है वो भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दी स्टेटमेंट्स कि बेसिकली इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं एक एक का। सो इनके प्रूफ के लिए क्या है कि सेकेंड लॉ का जो प्रूफ है, सेकेंड लॉ का जो प्रूफ है वो एक अजम्पशन से ही हम निकाल लेते हैं, जो हम अजम्पशन फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो हम पहले सेकेंड लॉ को देख लेते हैं जिसमें हम थ्योरी ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे, क्योंकि वही थ्योरी ऑफ ऑर्बिट जो है वही फर्स्ट लॉ में भी यही यूज होती है, थ्योरी ऑफ ऑर्बिट्स। इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इनफ है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहती है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे कोई इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, मान लो उसका पार्टिकल का एम है, मास है एम, ठीक है, और ये हमने मान ली ये एक्सिस है। ठीक है, ये जो ये पार्टिकल है मास एम है, ये ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल एम, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ठीक है, जो ये इसको हम ना एक ओरिजिन की तरह मान रहे हैं कि इसके विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं, तो इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इसके साथ, उसको उसको हम एक पोजीशन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो उसका जो वेक्टर होगा वो आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया। तो ये अभी एंगल मान लो बना रहा था थीटा, तो बाद में जो बनाएगा वो एंगल थीटा प्लस समथिंग होगा, तो ये मान लो ये उसकी इंक्रीमेंट डी थीटा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब क्या है कि प्लैनेट है जिसका मास है एम, ठीक है, इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अनदर मैसिव पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, विच इज फिक्स्ड एट ओ विद आर एज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप मेरी जो वीडियो है सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स की वो देख सकते हैं। तो सेंट्रल फोर्स में क्या होता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर ऑफ द एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ये एक्सिस है जो वो पोजिशन वेक्टर के अलोंग ही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पोजिशन वेक्टर की एक्सिस और जो
सेंटर फोर्स है वो भी इसी इसी के अलॉन्ग होगा, है ना। सेंटर फोर्स होता है कि जो पार्टिकल और जो हमारा सेंटर है उसी उसी लाइन के ज्वाइनिंग उसी अलॉन्ग होता है। तो अगर फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ होगा तो इसका कोई मोमेंट नहीं होगा, इट हैज नो मोमेंट, नो मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है। नो मोमेंट का मतलब कि जो इसका जो टॉर्क है वो जीरो होगा। टॉर्क होता है जिसको हम बोलते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स है सेंटर फोर्स अलोंग दी सेंटर सेंटर लग रहा है, ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो भी लाइन सेम है, वो भी सेंटर से ही पास हो रही है पार्टिकल की, और सेंटर फोर्स भी वही पार्टिकल से सेंटर की तरफ, मतलब सेम हो गया एक्सिस ना, तो इनके बीच जो एंगल है वो जीरो बन रहा है। आर एफ साइन अगर हम थीटा करते हैं तो थीटा यहाँ जीरो है, मतलब जो टॉर्क है वो हमारा जीरो आएगा, ठीक। तो टॉर्क जीरो है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इट हैज नो मोमेंट अबाउट ओ। सिंस इट हैज नो मोमेंट अबाउट ओ वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज कंजर्व्ड, बिकॉज टॉर्क क्या होता है डी एल बाई डी टी होता है, वेयर एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एफ सिंपल हम कैसे लिखते हैं डीपी बाई डी टी, ठीक है। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है ना, सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, तो उसी से ही हमने ये रोटेशन के लिए लिया निकाला हुआ है कि टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर टॉर्क जीरो है तो एल हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। एल कंजर्व्ड है इसका मतलब जो पार्टिकल है उसकी जो पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा और जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दोनों कंजर्व्ड होंगी, ठीक है। और ये पार्टिकल एक मूव करेगा, एक प्लेन में मूव करेगा, सर्कुलर प्लेन में, ठीक है, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। हम ये लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता है इट इज एम वी आर, ओके। जस्ट पी क्रॉस आर होता है, पी होता है एम वी, ठीक है, तो एम वी आर हो गया, ठीक। तो जो वी है दिस इज वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, यू कैन राइट एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी दिस इज डी थीटा बाय डी टी, ओके। जैसे आप सिंपल अगर वेलोसिटी लिखते हैं वो क्या होती है, डिफरेंशियल होती है ना पोजीशन की, डीएस बाय डी टी होता है वी, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो सर्कुलर के रोटेशन मोशन में होता है कि ओमेगा जो है वो टी थीटा बाई डी टी, ठीक है। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल वेलोसिटी आ जाती है यहाँ पे, तो ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा एम इज इक्वल टू, सॉरी एम नहीं, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी, ओके। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जब मैंने वो फिगर बनाया था कि जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है ना जो मतलब कि जो ये सेंटर से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ना जिसमें हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि कुछ टाइम के बाद जो है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसका पर्टिकुलर देखूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इसने एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है, जिसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय इट पर यूनिट टाइम, है ना। तो एरिया कितना स्वेप्ट किया, एरिया निकालने के लिए मतलब मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का मुझे अगर एरिया निकालना है तो वो कैसे होगा। एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें देखें कि बेस क्या है और हाइट क्या है। देखो बेस तो इसका ये हो गया जो ये वाली होगी चीज, इसको कलर से दिखाते हैं 1 मिनट। हाँ बेस क्या होगा इसका, ये वाला, ठीक है। तो बेस इसके लिए ये चीज क्या बनेगी, देखो ये आप देखो जो ये थीटा है ये डी थीटा है और ये डिस्टेंस ये वाला जो है ये आर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ये हाइट तो होगी इसकी एच के इक्वल, बेस इसका जो होगा वो होगा आर डी थीटा, क्योंकि आपको पता थीटा क्या होता है एल बाय आर होता है, ठीक है।
तो एल अगर आपको इस केस में देखेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एंगल डी थीटा है, तो आर डी थीटा जो है आपकी लेंथ आएगी, मतलब जो आपका बेस है वो आर डी थीटा है। तो एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय हाइट आर, तो ये बनेगा हाफ आर स्क्वेयर डी थीटा। ठीक है, हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज, हाफ आर स्क्वेयर डी थीटा। ओके, सो ये एरिया है जिसको हम डीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एरियल वेलोसिटी की बात करूं तो मैं लिखूंगी डीएस बाय डीटी। ठीक है, ये क्या बनेगा, हाफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाय टी टी। अब यहाँ पे पीछे देखें, यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ये जो डी थीटा बाय डी टी, हमने एक चीज लिखनी भूल गई, यहाँ पे जो ये डी थीटा बाय डी टी है, ये जो टर्म आई थी आपकी, इसमें हम फर्दर एक चीज करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को पर यूनिट मास के टर्म में एक रिप्रेजेंट करते हैं, एल बाय एम। ठीक है, ये क्या बनेगा, आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी। तो एल बाय एम को हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी। ओके, तो यहाँ पे भी आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा एच बाय टू, बिकॉज ये पूरी चीज हमारी एच के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्लियर हो गया देखो कि ये जो टर्म है ये सारी कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो डी एस बाय डी टी है, जो एरियल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। और यही हमें प्रूफ करना था कैपलर लॉ में। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एच बाय टू। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कोई पार्टिकल का मोशन सेंट्रल फोर्स में हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। सो दिस प्रूव्स दी कैपलर सेकेंड लॉ और दी लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, अब इसी जो थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ ऑर्बिट, इसी को हमने यूज करना है, एंड यूजिंग दिस थ्योरी ऑफ ऑर्बिट वी आर गोइंग नाउ गोइंग टू प्रूव दी कैप्लर फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देखें कि हमें वी नो दैट इन द केस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अट्रैक्टिव लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ अट्रैक्टिव फोर्स द फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द प्लैनेट टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स दैट इज सन इज गिवन बाय पी, पी इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। सो आप ना मैं पूरे थ्योरी ऑफ ऑर्बिट में से मैंने कुछ पार्ट उठा लिया है जो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, जस्ट इतना अगर आप कर लेंगे बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत थ्योरी ऑफ ऑर्बिट में बहुत कुछ लिखा होता है। हमें मेन जो है एक्लिप्स की इक्वेशन से मतलब है, एलिप्स को हमें दिखाना है कि ये जो ऑर्बिट है उसकी शेप एलिप्स होगी। ठीक, तो जस्ट हमें उतना दिखाना है, हम उतने पे जाएंगे, और ज्यादा डीप में पढ़ने की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखी है कि जो इनवर्स स्क्वेयर लॉ जो है, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब जो फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है, उसको हम एक क्वांटिटी से डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं पी। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट मास से हम डिफाइन कर रहे हैं पी को, और वो है के बाय आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे जो के है ये एम जी के इक्वल है। ओके, तो ये जो ये मास है ये हम सन का मास ले रहे हैं। ठीक है, फोर्स अब देखें, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना अट्रैक्टिव फोर्स। अब अभी बोला कि जो के है वो क्या है, जो पी है वो है के बाय आर स्क्वायर। ठीक है,
और ये किसके इक्वल है, ये एफ बाय एम के इक्वल है। अभी बोला कि जो फोर्स पर यूनिट मास है इसको हम के बाय आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू, अगर एफ बाय एम करेंगे तो ये क्या आएगा, इट विल बी जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आती है। यहाँ पे जो ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सीधा उसके फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्बिट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्बिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको हम लिखते हैं आर और थीटा की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वेयर यू बाय डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एम जी ओवर आर स्क्वेयर। ये एम जी ओवर आर स्क्वेयर कुछ नहीं है, ये पी है ना। आपको कहीं जगह पे अगर पी लिखा मिल गया या मतलब फोर्स पर यूनिट मास लिखा मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके इक्वल ही है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपने लर्न करनी है इक्वेशन, यहीं से आपने इसको प्रूफ करना शुरू करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी स्क्वायर यू बाय टी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एम जी ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है जिसके जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं यू इज इक्वल टू एम जी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, एम जी ओवर एच स्क्वायर प्लस ए कॉस, ये इसका जो है इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे ये ए और जो ये थीटा नॉट है ये क्या है, कुछ नहीं है बट ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, जहाँ पे जो ए है ये ग्रेटर देन 0 है और हम ये जो एंगल है बेस लाइन से ले रहे हैं तो हम थीटा नॉट को 0 मान के चल रहे हैं और थीटा को हम मान के चल रहे हैं कि ये थीटा नॉट जो है ये 0 है हमारा। ठीक है, और जो हमारे थीटा है ये 0 है। ठीक है, तो मतलब हम जो हमारा एंगल है ना फाइनल हम इसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये 0 हो गया, मतलब कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये फॉर्म ऐसे लेती है 1/r इज इक्वल टू एम जी ओवर एच स्क्वेयर प्लस ए कॉस थीटा। और इस इक्वेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच स्क्वेयर अपॉन एम जी ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वेयर ए ओवर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ इनको, आपको इसको याद कर लो, इसको आपको कई जगह पे हो सकता है लिखने की भी जरूरत ना पड़े। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर ज्यादा नंबर का आया तो आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको इक्वेशन इसका सॉल्यूशन याद करना है। ठीक है, और क्योंकि इसका पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो मेन इक्वेशन है ना ये आपको याद होनी चाहिए। और ये याद कैसे होएगी, ये यहाँ से आएगी, इस स्टेप से आएगी, और ये याद कैसे होएगी, ये इधर से आएगी। ठीक है, तो मेन आप ये इसका जनरल सॉल्यूशन और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है वो याद रखो, उसके बाद ये चीज याद रखो। ठीक है, फिर आप ये लिख देना कि ये जो इक्वेशन है इट इज सेम एज दैट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये एक हमारी इक्वेशन के साथ रिजेंबल करती है। कैसे करती है, जिस एक इक्वेशन है जो कि हम लिखते हैं यू इज इक्वल टू 1/L 1 प्लस ई या एप्सिलॉन जो भी कॉस थीटा। ठीक है, इसके साथ ये रिजेंबल कर रही है हमारी। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो एल जो एल बाय आर है, ओके दैट इज ये जो यहाँ पे एल है ना, ये एल क्या है, दिस इज सेमी
लेटस रेक्टम, ओके। और ये जो अपसालन है इसको आप लिखते हैं अपसालन, ये जो है ये मेन चीज है यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और ये जो एल है इसकी वैल्यू होती है एच स्क्वेयर अपॉन एम जी, जो अपसाइलन है इसकी वैल्यू है एच स्क्वेयर ए ओवर एम जी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस अपसाइलन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि अपसाइलन लेस देन 1, अपसाइलन इक्वल टू 1, अपसाइलन ग्रेटर देन 1, ये 3 केस होते हैं हमारे पास, ये मेन इक्वेशन ये, ठीक है। तो इसमें अगर अपसाइलन या जो इसेंट्रिसिटी है अगर लेस देन 1 आया तो ये एलिप्स होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 1 आया तो ये पैराबोला होगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 आया तो ये हाइपरबोला होगा, ओके। और ये मैंने पहले बता दिया कि एच स्क्वायर ए ओवर एम जी होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो एच स्क्वायर ए ओवर एम जी है, ये जो हमारी टर्म है ये क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। ये एप्सिलॉन लेस देन 1 है हमारे केस में, दैट्स व्हाई आवर ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स और एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। सो ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं ये एलिप्टिकल ऑर्बिट ही पोजेस करते हैं, ठीक है। अगर जैसे पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स होते हैं ना, जो जो कोई बॉडी अगर इस तरह का ऑर्बिट कर रही होती है वो जनरली क्या है, सोलर सिस्टम से भी बाहर पास आउट हो जाती है एंड इट वुड नेवर रिटर्न बैक। सो दैट्स वाई जो ज्यादातर जो ये प्लैनेट्स हैं और जिनकी मोशन होती है ऑर्बिटल, ये एलिप्टिकल होती है, और जो इनका इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 है, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये शेप है इनकी वो एलिप्स होती है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जस्ट इसका अगर आप इसेंट्रिसिटी वाला पार्ट बता देते हो कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, और ये जो मेन ये जो इक्वेशन है इसेंट्रिसिटी की, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कॉनिक की, इतना बता के कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ये इससे हमारी पोलर कोऑर्डिनेट है कॉनिक इक्वेशन के साथ रिजेंबल करती है, जिसमें हमारा इसेंट्रिसिटी ये है, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी हमारा लेस देन 1 है इसलिए इलिप्टिकल होगा, इतना बता दोगे तो आपका चल जाएगा काम, ठीक है। अब हम आते हैं कैपलर के थर्ड लॉ पे, कैपलर्स थर्ड लॉ, ओके। जो ये कैपलर का थर्ड लॉ है इसमें हमें ये स्टेटमेंट दिए कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ओके। सो जो कि ये कहता है कि इसकी जो स्टेटमेंट है इसको हम ना जनरली टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पे टॉ लिखा होता है टी की जगह पे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ एलिप्स, ये इसका फॉर्मूला है याद रखना, एरिया ऑफ एलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, ओके। और एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय इट्स सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, ये एरिया ऑफ एलिप्स होता है। और एरियल वेलोसिटी क्या है, ये हमने पीछे निकाला था एच बाय टू, ठीक है। तो अगर मैं टॉ मुझे पता है तो मैं टॉ स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, टॉ स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। और एल स्क्वायर जो है एल सॉरी जो एल है दैट इज एच स्क्वायर के, ठीक है, जिसको हम के को लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर ओवर एम जी, ओके। और एल इज ऑल्सो रिटन एज बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो इससे हम इक्वेट करके इसको निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम जी, तो जो बी स्क्वायर होगा दैट विल बी ए एच स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर
रहेगा ए एच स्क्वायर अपॉन एम जी ओवर एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एम जी। यहां से आ गया कि जो टॉर स्क्वायर है, टॉर स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर ओवर एम जी ए क्यूब, वेयर ये जो पूरी चीज है 4 पाई स्क्वायर ओवर एम जी, ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। और इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, चाहे जस्ट ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो टॉ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यहाँ से हमारे पास आ गया और तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑल प्लैनेट्स विद सेम मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट दे हैव द सेम पीरियोडिक टाइम, ठीक है। अगर सेम मेजर एक्सिस अगर सेम है रेडियस सबका, ठीक है, तो उसका जो टाइम लगेगा वो भी सबका सेम होगा, टाइम टाइम जो है वो सेम सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कैसे है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये प्रूफ की फॉर्म में आ जाते हैं लॉज जो है आपके कैपलर के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली न्यूमेरिकल में आपको कैपलर थर्ड लॉ का, कैपलर थर्ड लॉ में से क्वेश्चन मिलता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। और भी कोई आ सकता है, बट फर्स्ट लॉ में से इसेंट्रिसिटी का थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लेस देन वन, इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन, ये तीन केस पता होने चाहिए इसेंट्रिसिटी में कि क्या क्या कौन सी शेप आती है कब, ठीक है। एलिप्स आता है, क्यों आता है, फिर एरियल वेलोसिटी क्या होता है, और फिर कैपलर थर्ड लॉ में जो मेन फॉर्मूला है कहाँ से हम ड्राइव करना शुरू करना उसको याद रखना, तो ये आप प्रूव कर पाओगे। ये प्रूफ में जनरली आते हैं, और इनको हम न्यूटन के साथ भी लिंक करके पूछ लेते हैं कि न्यूटन के लॉ हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कैपलर से, तो इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप देख लेना। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, एंड थैंक यू।